हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब तक आप लोगों ने क्लास 10th में साइंस में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ा था, लेकिन क्योंकि अब इंटरमीडिएट में ये जो साइंस है तीनों आप लोगों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, यानी फिजिक्स की क्लास अलग, केमिस्ट्री अलग और बायो भी अलग पढ़ना पड़ेगा, है ना। और केमिस्ट्री का भी दो पार्ट है, मतलब केमिस्ट्री भी दो भागों में विभाजित है, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है, को स्टार्ट करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं हैं, इस चैप्टर में जितना भी आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को ही रिकॉल किया गया है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का महत्व बहुत है, हम दैनिक जीवन में भी बहुत देखते हैं, जैसे कि कोई भी भोज्य पदार्थ हैं, दवाएँ हुई, है ना, धातुएं, अधातुएं, ईंधन, ये सभी वस्तुएं रसायन विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो रही हैं, है ना। और कई भी और कई अनेक प्रकार की भयंकर बीमारी जैसे एड्स हुआ, कैंसर, ठीक है, इनके लिए भी दवाओं का प्रयोग, दवाओं का निर्माण किया जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? रसायन विज्ञान के द्वारा ही। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य या मैटर। तो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, कुर्सी, मेज, मकान, इस प्रकार से कुछ अन्य वस्तु है, ठीक है। यानी कि जो भी वस्तु है अगर उसका कुछ भार होगा और जहाँ पे वो रखी गई है वो भी स्थान भी घेर रही है तो वो क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाएगी, ठीक है। द्रव्य यानी पदार्थ, मैटर। द्रव और द्रव्य में अंतर है, द्रव यानी लिक्विड स्टेट को कहा जा रहा है और द्रव्य यानी पदार्थ को। नेक्स्ट है द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य यानी मैटर को, पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में द्रव्य को तीन तरह से विभाजित किया गया है, पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस, ठीक है। जब द्रव का भौतिक वर्गीकरण किया जाता है तो ये तीन भागों में विभाजित हैं, ठोस, द्रव और गैस में। तो ठोस अवस्था क्या होती है आपको पता ही है, पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है? जिसकी निश्चित आकृति और आयतन निश्चित हो, जिसकी ठोस में क्या होता है, जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होती है वो ठोस अवस्था होती है ना। और ठोस अवस्था में अणु जो है, ठोस अवस्था के जितने भी अणु हैं वो निश्चित अवस्था के अंतर्गत सघन रूप से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक। ठोस अवस्था क्या होती है द्रव की? जिसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है तथा इनके अणु एक निश्चित अवस्था में सघन रूप से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक। तो इन्हें हम कहते हैं ठोस, और इनके अणुओं के मध्य स्वतंत्र रूप से गति भी नहीं होती, ठीक, ये केवल अपने अक्ष पर ही गति करते हैं, जैसे कि नमक, बर्फ, कोई धातु, ठीक, ये सब क्या है? ठोस अवस्था है। द्रव क्या है? द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका एक निश्चित आयतन होता है, द्रव का निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। और इनके अणुओं के बीच, द्रव के अणुओं के बीच ठोस के अणुओं की अपेक्षा अधिक स्थान भी होता है, ठोस के अणुओं के बीच स्थान बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, बहुत ही कम होता है। इस तरीके से ये इनके अणु दोस्त रहते हैं और ये केवल अपने अक्ष पे ही घूमते रहते हैं, लेकिन द्रव में क्या होता है, इनके अणु थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इनके अणु द्रव की सीमा के अंदर मुक्त रूप से गति करते हैं, मतलब
जिस सीमा में, जिस आकार या जिस बर्तन में द्रव रखा गया है उसमें ही ये अणु जो है मुक्त रूप से आराम से गति करते रहते हैं। गैस क्या होता है? ये ऐसा पदार्थ होता है, पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसकी ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, इनकी आकृति और आकार निश्चित नहीं होता है और ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इनके अणु के बीच स्पेस बहुत होता है, ठीक, अनियमित गति करते रहते हैं, है ना। फिर सुन लीजिए, ठोस क्या होता है? ठोस की आकृति और आकार दोनों निश्चित होता है और इनके अणु भी बहुत ही पास पास व्यवस्थित रहते हैं। इनके अणुओं के मध्य स्थान बहुत कम होता है, ये केवल अपने अक्ष पर ही घूमते रहते हैं। द्रव क्या होता है? द्रव के अणु जो हैं, द्रव जो है पदार्थ की ऐसी अवस्था होता है जिसमें इनका द्रव्यमान निश्चित होता है लेकिन आकृति और आकार निश्चित नहीं होता और इनके अणु जो हैं ठोस की अपेक्षा दूर दूर स्थित रहते हैं, ठीक है, और मुक्त रूप से गति करते हैं। गैस क्या होता है? इनकी ना आकृति निश्चित है और ना ही आकार, ना द्रव्यमान, ठीक, और ये जो है मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। इनके अणुओं के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वर्गीकरण है रासायनिक वर्गीकरण। तो द्रव को रासायनिक रूप से वर्गीकृत करते हैं दो भाग में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। फिर शुद्ध पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तत्व और यौगिक में, और मिश्रण भी दो भागों में विभाजित है, समांग और विषमांग मिश्रण। तत्व तीन भागों में विभाजित है, धातु अधातु और उपधातु में, और यौगिक दो भागों में, अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिक, ठीक है। शुद्ध, देखिए रासायनिक वर्गीकरण अगर द्रव्य का किया जा रहा है तो उसे दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ दो भागों में बटा है, फिर से तत्व और यौगिक में। मिश्रण दो भागों में बटा है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण में। फिर तत्व को तीन भागों में विभाजित किया गया है, धातु धातु अधातु और उपधातु में, और यौगिक को भी दो भागों में विभाजित किया गया, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में। तो अब हम देख लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ आखिर क्या होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल एक ही तत्व हो, ठीक है। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिला होता है, और जबकि मिश्रण में क्या होता है? और मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं, ठीक है। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के स्वच्छंद अनुपात को ही मिश्रण कहते हैं, और मिश्रण भी दो भागों में विभाजित है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। फिर से हम शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को एक बार समझ लेते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही तत्व होता है ना, और मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्वों के कण मिले होते हैं किसी भी अनुपात में, ठीक है। चलिए, शुद्ध पदार्थ भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक, और इसी प्रकार से मिश्रण भी दो भागों में विभाजित किया गया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। देखिए समांग मिश्रण क्या होता है? समांग मिश्रण में घटक जो होते हैं एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिले होते हैं, पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, यानी कि मिश्रण में घटकों के कण एक समान रूप से विसरित रहते हैं या फिर मिश्रित रहते हैं, मिले होते हैं। मतलब समांग मिश्रण में जो भी तत्व हैं, दो या दो से अधिक तत्व, वो सभी एक समान रूप से मिले होते हैं। जबकि विषमांग मिश्रण में क्या होता है? इनमें घटकों का संगठन, जो भी तत्व हैं, जो भी कण हैं, उनका संगठन समान रूप से नहीं होता। नाम से ही क्लियर है, विषमांग यानी कि समान नहीं है, ठीक है। इसमें कण जो हैं वो समान रूप से मिले नहीं होंगे,
ठीक। चलिए अब आते हैं हम तत्व पे। देखिए तत्व क्या है, तत्व शुद्ध पदार्थों का ही अवयव है, है ना। और तत्व को तीन भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु में, ठीक। धातु क्या होते हैं, देखिए धातु, अधातु और उपधातु के बारे में हमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, है ना। धातु क्या होते हैं, धातु वे ठोस तत्व होते हैं जिनमें उनकी स्वाभाविक चमक और कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, विद्युत व उष्मा के सुचालक होने का गुण होता है। धातु क्या होती है, धातु कठोर होते हैं, सामान्यतः धातु कठोर होते हैं, इनमें आघात वर्धता पाई जाती है। आघात वर्धता मतलब पीटना, ठीक है, पीट के इनको पतला किया जा सकता है। तन्यता, तान के इनको मतलब खींच तान के इनको एक पतले तार के रूप में विभाजित किया जा सकता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। साथ में इनकी एक स्वाभाविक चमक भी होती है, ठीक है। धातु जैसे कौन सा हो गया, लोहा, सोना, तांबा, ये सब क्या है, धातु है, ठीक। अब अधातु क्या होते हैं, अधातु धातु के जस्ट अपोजिट होते हैं, अधातु चमक रहित होते हैं और इनमें भंगुरता भी पाई जाती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होते, अगर इनको तोड़ा जाती है टूट जाएंगे, भंगुरता का गुण पाया जाता है। और ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, धातु क्या होते हैं, विद्युत और उष्मा के सुचालक होती हैं, अधातु होती हैं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती हैं। अधातु के एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, जितने भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, फास्फोरस, ठीक, ये सब अधातु में आएंगे। धातु में अभी बताया मैंने लोहा, सोना, तांबा, ठीक, ये हो गए। उपधातु क्या है, तो उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, ठीक है। उपधातु क्या होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, जैसे जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक आदि, ठीक। फिर से सुन लीजिए, धातु क्या होते हैं, धातु ठोस होते हैं, लेकिन एक धातु है जो ठोस नहीं होता, कौन सा धातु है, मरकरी, ठीक है। मरकरी जो है ये इसका अपवाद है, लेकिन हम कहते हैं कि धातु सामान्यतः ठोस होते हैं, इनकी स्वाभाविक चमक होती है और इनमें कठोरता, वर्धनता और तन्यता का गुण पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सोना, लोहा, तांबा आदि, ठीक। अधातु क्या होते हैं, अधातु में स्वाभाविक चमक नहीं होती, ये कठोर नहीं होते हैं, ये भंगुर होते हैं, ठीक है। आघात वर्धता और कठोरता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि, ठीक। उपधातु क्या होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण मिले होते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, आर्सेनिक आदि, ठीक। अब हम आते हैं यौगिक पे। यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों में। देखिए यौगिक क्या होता है, यौगिक भी एक प्रकार से शुद्ध पदार्थ ही होता है, लेकिन इनमें दो या दो से अधिक तत्व जो हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। इससे पहले अभी हमने मिश्रण पढ़ा था, तो मिश्रण में हमने देखा था कि इसमें भी दो या दो से अधिक तत्व ही मिले थे, लेकिन इनका अनुपात निश्चित नहीं था, जबकि यौगिक में ऐसा नहीं है। यौगिक भी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन इनमें इनका अनुपात निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि वाटर, जल जो है, जल क्या है, एक यौगिक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। तो यौगिक और मिश्रण में अगर अंतर पूछा जाएगा तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि मिश्रण में भी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं कण, जबकि यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक। यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक। देखिए अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, वे यौगिक जो निर्जीव स्रोत जैसे कि समुद्री जल, पृथ्वी, चट्टान आदि से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होता है, ठीक,
जैसे कि समुद्री जल, पृथ्वी पटल, चट्टान आदि से जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। ठीक, और कार्बनिक यौगिक क्या होगा? कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से जीवित स्रोतों, जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से जीवित स्रोत, जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों को आधुनिक युग में प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित भी किया जा सकता है, मतलब कृत्रिम रूप से इन्हें प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। जैसे कि चीनी, यूरिया, मोम, वसा, ये सब क्या हैं? चीनी, मोम, वसा, यूरिया, ये सब क्या हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। और अकार्बनिक यौगिक में क्या हो गया? जल हो गया, पोटेशियम, ये सब क्या हैं? अकार्बनिक हैं। जल, पोटेशियम, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सब क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो अभी द्रव के वर्गीकरण में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोग उन्हें पहले लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद इसे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है द्रव के गुणधर्म और उनका मापन। तो प्रत्येक पदार्थ के या प्रत्येक द्रव के कई गुणधर्म होते हैं, कुछ विशिष्ट गुणधर्म होते हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिक और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म यानी कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी कि बाहरी अवस्था, किसी पदार्थ का रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक देखकर जब किसी पदार्थ की का अनुमान लगाया जाए तो उसे हम कहते हैं भौतिक गुणधर्म ज्ञात करना। ठीक है, भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत हम पदार्थ के रंग, गंध, गलनांक, घनत्व आदि का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ को बाहरी रूप से उसके रंग, रूप, आकार, गंध आदि के द्वारा जब देखकर ही अनुमान लगाया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि भौतिक गुणधर्म। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म में क्या करते हैं? रासायनिक गुणधर्म में जैसे संगठन, किसी पदार्थ की ज्वलनशीलता, अम्ल क्षारिकता आदि का अध्ययन जब किया जाता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक गुणधर्म। नेक्स्ट हेडिंग है मापन में अनिश्चितता। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ जब खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो उसकी मापन में कुछ ना कुछ त्रुटियां हमेशा बनी रहती हैं, तो उसे ही कहा जाता है मापन में अनिश्चितता। मापन में अनिश्चितता में पहला है सार्थक अंक। सार्थक अंक देख लीजिए क्या है कि मापी गई भौतिक राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। यानी कि किसी भी राशि को जब मापा जाता है तो जितने अंकों में प्राप्त होता है कुल संख्या वही संख्या क्या कहलाती है? उसकी सार्थक अंक कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट है सार्थक अंकों की संख्या मापी गई राशि की परिशुद्धता को प्रदर्शित करती है। यानी कि सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए किसी भौतिक राशि का मान इतना है 11.2 ml, तो 11 क्या है? निश्चित अंक है इसका। ठीक है, और 0.2 ml क्या है? अनिश्चित अंक है। जैसे किसी पदार्थ का माप लिया गया तो हो सकता है 11.213 इस तरह से कुछ आगे आ रहा है, या फिर कुछ अन्य भी जैसे 42.123 ये सब। ठीक है, इस तरीके से कुछ अगर आ रहा है तो ये इधर वाला जो मान है ये हमेशा, मतलब किसी भी माप पे हमेशा ये सेम ही आएगा। ठीक है, किसी दूसरे, हो सकता है किसी दूसरे तौले या किसी दूसरे तराजू पर इसका मान दूसरा आ जाए, लेकिन ये मान जो है हमेशा समान आना चाहिए। तो अगर ये मान समान आ रहा है तो उसे हम कहते हैं निश्चित मान, और जो ये जो है ये असमान आ सकता है, हो सकता है किसी एक तौल पे दूसरा आ रहा है, दूसरे तौल पे दूसरा इसका मान आ जाए, तो इसे बोलते हैं अनिश्चित माप। ठीक है, इसे यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम भी हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन से नियम हैं ये। देखिए सभी गैर शून्य अंक जो हैं वो सार्थक अंक होते हैं।
जो शून्य ना हो, गैर शून्य मतलब जो शून्य ना हो। सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं, जैसे कि 385 सेंटीमीटर में सार्थक अंक कितने हैं, 3 हैं। देखिए 385 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसमें सार्थक अंक कितने हैं तो 3 बताएंगे। देखिए 1 2 3, ठीक है, शून्य दिख रहा है इसमें, नहीं, तो ये इसमें सार्थक की संख्या कितनी है, 3 है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी मान दे दिया जाएगा, पूछ ले जाएगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। ठीक, नेक्स्ट है दूसरा, देखिए और 0.25 ml में कितने सार्थक अंक हैं, 2 हैं। 0 को काउंट नहीं किया गया, केवल 25 को काउंट किया, 1 2, ठीक, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ये तो पहला नियम हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा नियम क्या है, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते, ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को ही बताते हैं। ठीक है, ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को ही बताते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे दशमलव के बाद शून्य आया है, तो हम क्या कहेंगे, ये सार्थक अंक है, नहीं, ये सार्थक अंक नहीं है, इसमें सार्थक अंक कितना है, 1 ही है। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 शून्य है, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, ये देखिए 1 2। ठीक है, यहाँ से गिनते हैं ना पीछे से, ये 2 और 5, ये कितने सार्थक अंक हैं, केवल 2 ही हैं। यहाँ हम 0 को काउंट नहीं करते हैं, देखिए लिखा है, फिर से सुन लीजिए, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को ही बताते हैं। ये शून्य जो है सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे, केवल दशमलव की स्थिति को ही बताएंगे, इसलिए सार्थक अंक की संख्या इसमें कितनी है, 1 है, और इसमें 2 है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट नियम देख लेते हैं कि दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य जो हैं वो सार्थक अंक होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए इस तरह से कोई मान दे दिया, यहाँ पर भी कोई अंक है, यहाँ पर भी कोई अंक है, ठीक, तो जब उसके बीच में अगर शून्य पड़ गया तो उसे हम सार्थक अंकों में ही काउंट कर लेते हैं। ठीक, जैसे 2.005 है, तो उसमें अगर सार्थक अंक पूछ ले इस तरह के अंकों में, तो सार्थक अंक कितना होगा, इसमें 4 हो जाएगा। ठीक, देखिए लिखा है दो गैर शून्य, यानी कि दो ऐसे अंक जो शून्य ना हो, यानी कि 2 और 5, ठीक है, तो इसके मध्य में जो शून्य आएगा तो वो क्या कहलाएगा, सार्थक कहलाएगा, सार्थक अंक कहलाएगा। जैसे कि यहाँ दिख रहा है 2.005 है, तो इसमें अगर सार्थक अंक पूछेगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए एक और अंक हम दे दें, तब कितना हो जाएंगे यहाँ पे सार्थक अंक, 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु शर्त यह है कि वे दशमलव के दाईं ओर स्थित हों। किसी अंक के दाईं ओर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई अंक है, इसके दाएं, ठीक, दाएं अगर देखें तो ये सब हो गए हैं, तो दाएं अंक में अगर आएगा 0 तो वो क्या हो जाएगा, वो सार्थक हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसको नहीं काउंट करेंगे, ये जो पॉइंट के पहले है इसे नहीं काउंट किया, इसके दाएं यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक, तो 2 के बाद 2 0 है, 1 2 3, कितने अंक है यहाँ पे, 3, सार्थक अंक कितने हो गए, 3। लेकिन अब नेक्स्ट है देखिए कि परंतु दशमलव विहीन, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो, दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते, जैसे कि 100 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं दशमलव दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य, दाईं ओर के शून्य ये, ठीक, ये सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे, तो इसलिए 100 में कितने सार्थक अंक हैं, केवल 1 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 100 में यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए हम मान रहे हैं 3 सार्थक अंक,
यहाँ देखिए, यहाँ भी दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा हो गया चार सार्थक अंक। केवल दशमलव वाले केस में हम देखेंगे, दशमलव नहीं लगा है तो इसमें सार्थक अंक एक हो गया, यहाँ दशमलव लगा है तो सार्थक अंक तीन हो गया, और यहाँ भी दशमलव लगा है तो सार्थक अंक कितना हो गया, चार हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, एक सार्थक अंक के लिए वैज्ञानिक संकेतन कितना है, 1 × 10⁻²। ठीक है, दो सार्थक अंक के लिए 1.0 × 10⁻², और तीन सार्थक अंक के लिए 1.00 × 10⁻²। इस तरीके से वैज्ञानिक संकेतन होता है। सार्थक अंक वाला जो भी है, अभी मैंने जो आपको समझाया है, वीडियो को बार बार चला के आप लोग समझ लेंगे, ठीक है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। चलिए अब नेक्स्ट है, रासायनिक संयोजन के नियम, कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों को हम पढ़ लेते हैं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि द्रव्य यानी कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का है लिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये दो भागों में टूट गया, तो यहाँ पे 56 ग्राम मिला और ये कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। अब इन दोनों को काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा, 100 ग्राम। ठीक, यानी कि इनकी मात्रा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब कि ये जितने थे उतनी मात्रा में ही प्राप्त हो गए हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट नियम हम